dear students welcome in the lecture on thermodynamic and kinetic stability and in this lecture we are just discussing about the metal ligand equilibria and in the previous lecture we had discussed about the methods for method for determination of a stability constant and uh, that method was spectrophotometry okay so in this uh, lecture we will discuss about the other uh, method that is pHmetry or potentiometry Uh, with the help of which we can just determine the formation or stability constant. तो so, प्यारे बच्चों आपका स्वागत है इस metal ligand equilibria lecture में जहाँ पर हम determine करने वाले हैं stability constant को with the help of pHmetry और potentiometry. इससे पहले lecture में हम discuss कर चुके हैं कि कैसे हम spectrometry की help से uh, stability constant को determine कर सकते हैं okay? इस मेथड में हम क्या करते हैं जो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हम स्टेबिलिटी या फॉर्मेशन कांस्टेंट देखना चाह रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हम क्या करते हैं बच्चों हम मेटल आयन लेंगे और मेटल आयन के साथ हमने किसकी रिएक्शन करानी होती है लिगेंड की इस मेटल आयन और लिगेंड की जो रिएक्शन है हम कराएंगे इन प्रजेंस ऑफ एसिड तो इस केस में जब हम लिगेंड के रिएक्शन मेटल आयन के साथ करते हैं इन प्रजेंस ऑफ एसिड तो इस केस में हम जो फॉर्मेशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं उस मेथड को हम कहते हैं पीएच मीट्री और पोटेंशियो मीट्री तो यहाँ पर हम एक रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि मेटल आयन की लिगेंड के साथ हमने रिएक्शन की है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो इससे क्या होगा बच्चों ये लिगेंड जो कि एक बेस होता है जो कि एक एनायनिक पार्ट uh, है जो कि हम कह सकते हैं डाइपोलर है ये क्या करता है मेटल आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा इसी तरीके से ये जो एच प्लस आयन है एसिड में प्रेजेंट ये भी कंपटीशन करेंगे एम प्लस आयन के साथ ताकि वो एल के साथ जुड़ सकें तो आप ये देखेंगे जब हम मेटल आयन और लिगेंड को एसिड की प्रेजेंस में ट्रीट कराएंगे तो आप देखेंगे ये जो मेटल आयन है और जो एच प्लस आयन है ये दोनों कंपटीशन करेंगे लिगेंड के साथ रिएक्ट करने के लिए तो इस केस में एसिड भी बनेगा और दूसरा क्या बनेगा मेटल कॉम्प्लेक्स तो एसिड एच प्लस की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की तो दो तरीके के कंपाउंड बन रहे हैं एक बनेगा मेटल कॉम्प्लेक्स और एक बनेगा एसिड तो इस एसिड का अगर हम फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट देखें तो वो क्या होगा वो होगा कंसेंट्रेशन ऑफ दिस एच प्लस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ लिगेंड एंड हाइड्रोजन uh, आयन और अगर ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो कॉम्प्लेक्स आयन का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड तो इस तरीके से हमें दो रिलेशनशिप मिलेंगी ओके okay? इसके पहले मेथड में आपने देखा था हमने एक ही uh, वहां पर एक मेटल और एक लिगेंड रिएक्ट कर रहे थे तो उसकी हेल्प से हमने स्पेक्ट्रोमोटमिट्रिक uh, की हेल्प से हमने uh, क्या कैलकुलेट किया था फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट लेकिन यहाँ पर दो है दो आयंस का है से जुड़ने के लिए H+ प्लस का और M+ प्लस का और ये जुड़ने के बाद क्या बना रहे हैं या तो एसिड बन रहा है और मेटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो एसिड का एक फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा और एक जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा और ये जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है इसकी हेल्प से अगर हमें एम एल प्लस आयन का कंसंट्रेशन पता हो अगर हमें एम प्लस का कंसंट्रेशन पता हो और लिगेंड का कंसंट्रेशन पता हो तो हम आसानी से इसके फॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमें क्या कैलकुलेट करना है फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर्मेशन कांस्टेंट के लिए क्या जरूरी है बच्चों हमें ये कंसेंट्रेशन पता हो हमें ये कंसेंट्रेशन पता हो हमें ये कंसेंट्रेशन पता, पता हो तो हम फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं तो अब हम जो आगे पढ़ने वाले वो हम क्या करने वाले हैं कि ये कंसंट्रेशन कैसे निकल सकती है ये कंसंट्रेशन कैसे निकल सकती है और ये कंसंट्रेशन कैसे निकल सकती है और हम इस रिलेशनशिप को भी यूज करने वाले हैं अब मान लीजिए कि ये जो हाँ, जो हमने हाइड्रोजन के आयंस लिए हैं उनकी कंसंट्रेशन तो CH है, शुरू में जो हमने लिए हैं रिएक्टेंट ओके okay? और जो हमने मेटल आयन लिया है उसकी कंसेंट्रेशन सीएम है और जो हमने लिगेंड लिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी उसकी कंसेंट्रेशन हमने मान ली सीएल ओके तो अब आप देखिए जो एक कंसेंट्रेशन है मोल पर लीटर में हमने दी हुई है लिगेंड की हो या हाइड्रोजन आयन की हो या मेटल uh, आयन की हो तो ये क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयन की जो कंसेंट्रेशन होगी वो किसके बराबर होगी एच प्लस आयन जो अनरिएक्टेड होंगे और एच प्लस आयन जो रिएक्टेड होंगे जो कि एसिड बना रहे होंगे तो ये रिएक्टेड और अनरिएक्टेड को जोड़ करके आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स तो अगर हमें बच्चों ये सी एच पता होगी यानी हमें कंसेंट्रेशन पता है हमने कितनी एच प्लस कंसेंट्रेशन ली है सॉल्यूशन में रिएक्शन के लिए तो हम क्या निकाल सकते हैं एच एल प्लस की कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं यानी ये एसिड जो बन रहा है उसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी जो हमने शुरू में जो हाइड्रोजन आयन लिए हैं उनकी कंसेंट्रेशन जो हमने ली है कितनी कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर में ली है माइनस जो एच प्लस आय अनिएक्टेड रह गए उनको उनसे हम क्या निकाल सकते हैं एच उसकी की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं दूसरा हमारे पास क्या है सीएम है जो कि हमें पता है कि हमने कितनी कंसंट्रेशन मेटल आयन के लिए है वो किसके बराबर होगा बच्चों अनरिएक्टेड मेटल आयंस एन रिएक्टेड मेटल आयंस के बराबर तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं मेटल आयन की कंसेंट्रेशन जो मेटल आयन की कंसेंट्रेशन है वो कितनी अनरिएक्टेड बची है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमें सी एम पता हो और एम एल प्लस पता हो तो हम ये कंसनट्रेशन पता कर सकते हैं ये जो रिएक्शन है ये जो फॉर्मूला है ये हमने यहाँ से जनरेट किया है और ये जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ से जनरेट किया है ओके okay? अब कंसिडर करिए इस रिएक्शन को जो कि हमने पहले भी लिखी थी लिगेंड के साथ कौन कम्पी कम्पीट कर रहा है एच प्लस आयन तो ये एच प्लस आयन जब एल से रिएक्ट करेगा तो एच एल प्लस बनेगा यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट हमें मिलेगा के ए एच एल प्लस अपॉन एल इंटू एच प्लस तो ये हमारे पास पहले से रिलेशनशिप है तो हम क्या करेंगे बच्चों हम जो ये एच प्लस की जो एच एल प्लस की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में यहाँ पर रख देंगे तो जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या है सी एच माइनस एच प्लस तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी और इस इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे एल की कंसेंट्रेशन जो कि किसके बराबर होगी कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन जो हमने पहले लिया था हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन अपॉन हमें क्या चाहिए के ए जो कि क्या है फॉर्मेशन कॉन्सटेंट ऑफ एसिड तो हमें देखिए बच्चों वो जो इक्वेशन आपने देखी थी जहां पर आपने देखा था कि फॉर्मेशन कॉन्सटेंट एम एल प्लस अपॉन एम प्लस एंड एल है तो हमें क्या वैल्यू चाहिए एम एल प्लस 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 की 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 चाहिए, M, M की चाहिए L की चाहिए। चाहिए? और तो यहां पर हमें M की की हमें वैल्यू 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 मिल मिल गई गई। अब देखिए कि किसकी जिसने मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल कॉम्प्लेक्स बनाया लिगेंड जिसने हाइड्रोजन के आयन के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाया तो ये अनरिएक्टेड लिगेंड है ओके okay, तो अब हमें यहां से क्या मिल जाएगा ML प्लस तो यहां से जब हम ML प्लस कैलकुलेट करना चाहेंगे तो CL माइनस L माइनस HL प्लस कंसेंट्रेशन आएगी हम क्या करेंगे अब हम देखिए ये जो आ, HL प्लस की वैल्यू है जो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं इसे हम यहां पर इनपुट कर देंगे जो एच एल प्लस की वैल्यू आई थी वो आई थी सी एच माइनस एच प्लस तो उसको हमने यहाँ पर रख दिया और जो एल की वैल्यू जो हमने पहले कैलकुलेट की थी वो हमने यहाँ पर रख दी तो इस तरीके से हमें एम एल प्लस की वैल्यू भी मिल जाएगी और हम जानते हैं कि जो फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट है वो क्या है कंसनट्रेशन ऑफ एम एल अपॉन एम प्लस का कंसनट्रेशन एंड एल का कंसेंट्रेशन तो देखिए हम एल की वैल्यू निकाल चुके हैं ये है एम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं एम की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं और एम एल की वैल्यू ये वैल्यू है तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं मतलब अगर हमें सी एल पता है ये हमें पता है क्योंकि हम कंसनट्रेशन कितनी लिगेंड की ले रहे हैं शुरुआत में रिएक्शन की वो हमें पता है हमें पता है कि हम हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसनट्रेशन ले रहे हैं सब शुरू में वो भी हमें पता है और हमें पता है, है एसिड का अगर हमें क्या पता हो फॉर्मेशन कांस्टेंट पता हो और ये जो H प्लस आयन है इसकी कंसेंट्रेशन हम किससे पता करेंगे ये जो अनरिएक्टिव H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है इसकी वैल्यू uh, हम पता करेंगे पोटेंशियोमेट्री या फिर पी एच मीटर की हेल्प से इसीलिए इस मेथड का नाम पोटेंशियोमीट्री एंड पी एच मीट्री है क्योंकि हम इस एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन पता करेंगे किससे पी एच मीटर की हेल्प से इसके अलावा जो हमें वैल्यू चाहिए वो है सीएम तो सी एम हमें पता है कि हमने मेटल की कंसनट्रेशन क्या ली है स्टार्टिंग में क्योंकि एम प्लस इज इक्वल टू क्या है सीएम की कंसनट्रेशन हमें चाहिए एम एल की हमने देखिए निकाल दी है एल की हमें पता है एल के लिए हमें सी एच चाहिए और एच प्लस आयन की कंसनट्रेशन चाहिए जो हम जिसमें हम एच प्लस को हम पी एच मीटर की हेल्प से निकाल लेंगे और ये हमें पहले से ही पता है और यहाँ पर एच एल प्लस की कंसनट्रेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए सी एच ये भी हमें पता है क्योंकि हमें स्टार्टिंग में जो भी कंसेंट्रेशन ली है, H प्लस को हम पीएच uh, मीटर की हेल्प से निकाल लेंगे और K जो कि एक uh, जो कि फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर एसिड है ये हमें पता होगा क्योंकि हमने कौन सा एसिड uh, बनाया है उसका हमें फॉर्मेशन कांस्टेंट पता होगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम एक कंपिटेटिव uh, कंडीशन लगा के कि जो लिगेंड है उसका कंपटीशन है विद प्लस आयंस एंड मेटल आयंस उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं और यही मेथड क्या है पोटेंशियोमेट्री मेथड या फिर पी मेथड सो दिस इज ऑल अबाउट द पी मेथड ओके uh, okay. तो आपने दोनों तरीके के मेथड पढ़ लिए हैं एक आपने पढ़ा इससे पहले स्पेक्ट्रोमीट्री मेथड और दूसरा पढ़ा स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री मेथड एंड पी एच मीट्री सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू डिटरमाइन फॉर्मेशन और स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ अ स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सो थैंक यू वेरी मच